इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है। पड़ोसी खुशहाल होना चाहिए, अगर पड़ोसी गलत है तो फिर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। कुछ ऐसा मामला इसराइल के साथ हो रहा है। वैसे तो आबादी और क्षेत्रफल में ये देश बहुत छोटा है, लेकिन सैन्य तौर पर काफी ताकतवर है, जिस वजह से वो हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देता है। इस बार भी हमास पर अब कहर बनकर टूटा है इसराइल। दरअसल मौजूदा समय में इसराइल की आबादी करीब 98 लाख है। आबादी में इसराइल उत्तराखंड से भी कम है। इतना छोटा देश होने के बावजूद इसराइल की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसकी वजह है कि इसराइल की सेना और उसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी। आज इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है, जो किसी भी ऑपरेशन को कहीं भी अंजाम दे सकती है। इसी का नतीजा है कि अब हमास पर इसराइल की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इसराइल एक ज्यूइश देश है और इसके तमाम पड़ोसी देश मुस्लिम हैं। अधिकतर पड़ोसी देशों से इसराइल की दुश्मनी है, जो कभी भी उस पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। इसराइल करीब 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जिसमें मिस्र, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरबिया, फिलिस्तीन, सूडान और ट्यूनिशिया है। मुस्लिम देशों ने इसराइल पर हमला करने के लिए जॉर्डन में अपनी आर्मी बेस बनाया था। हमले का पूरा प्लान तैयार था, लेकिन उससे पहले ही इजरायली एयरफोर्स ने 5 जून को इजिप्ट के करीब 400 फाइटर जेट्स पर हमला कर उसे उड़ा दिया। इससे दुश्मन देश घबरा गए थे और जंग सिर्फ 6 दिन में ही खत्म हो गई थी। इसमें एक तरफ से करीब 8 देशों को इजरायल ने शिकस्त मिली थी। ये जंग 1967 में 5 से 10 जून के बीच हुई थी। इजरायल ने जॉर्डन के आर्मी बेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। यही नहीं, जर्मनी लड़ाई में भी इजरायली फौजों ने जॉर्डन को शिकस्त दी, बल्कि गाजा पट्टी भी अपने कब्जे में कर ली थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।